दिल के बात जानते हैं क्या खास है ट्रेन की, आने वाला अपकमिंग प्रोजेक्ट और क्या किया है रेल और क्या बारे में बताना चाहते हैं, ईशा बताइए आप। हाय, माय नेम इज और उसके अलावा मैंने कभी कुछ सोचा नहीं है। एक्टिंग मेरा पैशन है, एक्टिंग मेरा प्रोफेशन है। और मैं बहुत छोटी थी तभी से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक्टिंग। कितनी छोटी थी? जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब कितने साल, 5 साल की? एक्चुअली जब मैं 5 साल की थी तो जैसे ही गाना बजता था आई यूज टू डांस, यस, तो मैं डांस करने लगती थी। तो मेरे पापा हमेशा मुझे रोकते थे, इतना डांस मत कर, नहीं नहीं, पर उनको मतलब वो बिहार थे, थोड़े नैरो माइंडेड थे, उनको ये डांस वांस पसंद। लड़कियों का छूट नहीं थी, तो डांस करने से मना करते थे। फिर भी जब मैं स्कूल में गई तो मैंने कथक में ट्रेनिंग ली और मैं कथक ट्रेन डांसर थी, तो डांसिंग से मुझे ऐसा इंस्पिरेशन मिला एक्टिंग का। तब से मैंने कैसे आया मुंबई, सब को बताइए, कैसे बताया आया? तो एक्चुअली एक कोऑर्डिनेटर मुझे दिल्ली में मिला, तो मैं अपनी स्टडी कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम्हें एक्टिंग ही करनी है तो मुंबई जाना पड़ेगा, मुंबई में ही काम होता है, दिल्ली में भी काम होते हैं पर थोड़े छोटे लेवल के होते हैं, पर मुंबई आकर एक्सपोजर मिलेगा आपको, बड़ा काम मिलेगा। तो उनके साथ में पहली बार मुंबई आई थी, फिर कुछ लोगों से पहचान हुई अच्छे लोग ही मिले। पर मैंने लोगों से सुना है, मतलब मेरे साथ कई सारी लड़कियाँ आई थी, उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंस हुए, किसी ने कहा कि अब मैं इतने काम दिलाऊंगा, हाँ कुछ ऐसा उनके साथ हुआ। पर मैं सोचता था अगर आपकी लगन सच्ची है, आपका काम अच्छा है, तो आपको इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फोकस रहना है अपने काम के ऊपर और काम करते रहना है लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर परेशान हो जाओ कि आपको काम नहीं मिल रहा है, पार्ट टाइम नौकरी हो, तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब भी मुंबई आए तो आप एजुकेशन अपनी पूरी करके आए, बिना एजुकेशन कम्प्लीट किए ना आए, बिकॉज यहाँ पे आप चाहे तो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। एक बात में पूछना चाहता हूँ, दूसरे ने मुझे फोन किया, मान लो सर मुझे ले लो, तो उस करेक्टर के लिए मैं कुछ भी करने तैयार हूँ, मैंने ऊपर से नीचे कूद दिया, होता नहीं सर, मैंने सब कुछ भी कर लो, मैंने क्या कर लो, थप्पर मारो, नहीं सर आप समझ नहीं रहे हो, मैंने क्या खोल के बताओ, तब मैं वैसे चीज़ बताया कि मैं बोल नहीं सकता, चलना नहीं हमारा। देखो भाई, मैंने यहाँ पर ना कंपनी को ज्वाइन होगा, मैंने जी बाकी लेटर की वो एक के साथ एक हिम्मत है, मुझे पूरा बॉलीवुड में एक गंदा अपना पूरे दोस्त के गंदा करेगा। जी वही पेशेंस बहुत जरूरी है, एक पर्टिकुलर रोल होता है जिसमें आप फिट हो सकते हो, जैसे माँ का रोल है या दादी माँ का रोल है, वो तो मैं नहीं कर सकती, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि उनकी ये क्या रोल है, क्या कैरेक्टर है, कैरेक्टर की क्या डिमांड है उस मूवी में, वो कैरेक्टर का क्या इम्पोर्टेंस है। आप पूरी फैमिली का रोल नहीं कर सकते, माँ का बता दो। हाँ, तो मैंने अभी एक फिल्म की है हजामी दबा से, उसमें इमरान हाशमी साथ आज उनके डायरेक्टर श्याम अभिराजी, तो हॉलीवुड कैरेक्टर है। और टीवी शो मैंने किया है श्रीमान श्रीमती जैसे सब कुछ के अलावा, अक्सर किया दुर्गा जी के और बेहद किया है मैंने, और भी बहुत सारी चीज़ें। अभी आने वाला मतलब इंसान को टैलेंट खत्म नहीं होता, जितना सीखो उतना कम पड़ता है, गुरु का ज्ञान कम नहीं होता है, इनके आने में मतलब मेहनत इसका रंग लाएगा। दूसरा दीक्षा जी का दीक्षा जी बहुत प्यारा नाम है, मैं थोड़ा डांस बहुत अच्छे कर रहा हूँ, कलाकार को कोई शर्म नहीं है, कुछ नहीं, कहीं भी अपना कला दिखा सकते हैं भाई, पूरा लोग पूरा बोली पूरा लौट सकते हैं। नहीं मेरे मन आता चल रेडी चल करना करना करना।
बहुत बढ़िया, ये क्या खास है, ये प्रीति जिंदा मेरा साथ है, हम भी आ गए भैया। बस 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 माफ करो मुझे, माफ करो। क्यों माफ करूँ? माफ।